प्यारे विद्यार्थियों, श्रीराम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ क्रमांक 7 जिसका नाम है कलाकार का असंतोष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें आप एक कलाकार के बारे में बात करेंगे। जैसे कि चित्र में बता रखा है, देखिए आपको चित्र बता देता हूँ। इसमें एक कलाकार है जो मुकुटे बना रहा है, मतलब मुकुटे जानते हो ना, इंसान की शक्ल जैसा मुकुटा बना देता है। बहुत सारी कलाएं होती हैं, ठीक है, इन सब बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। कि असंतोष मतलब संतोष नहीं रहता, मतलब संतोष मतलब सेटिस्फाई नहीं रहता, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करें, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो देखिए, एक गाँव में एक आदमी रहता था, वह मिट्टी की मूर्तियाँ बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियाँ सुंदर होती थी। जो वो मूर्ति बनाता था ना, तो वो कैसी होती थी, बहुत ही सुंदर होती थी, इसलिए वे बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अब आगे चलते हैं, देखिए, अच्छे दिन थे, उसका गुजारा मज़े से हो रहा था, क्योंकि वो मूर्तियाँ बनाता था और उनको बाजार में बेच देता था, मतलब उसकी बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा, तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। बाप ने देखा कि जो ये मेरा बच्चा है, इसमें भी मूर्ति बनाने का हुनर है, तो उसको भी उसी काम पर लगा दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। दोनों ने क्या काम स्टार्ट कर दिया, मूर्तियाँ बनाने का। बेटे का हाथ बाप से ज़्यादा साफ था, जो बेटा था उसका, वो उससे भी, बाप से भी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था, मतलब बहुत साफ हाथ था उसका। वैसे भी नवयुवक होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था, मतलब जल्दी जल्दी मूर्तियाँ बना देता था। उसकी मूर्तियाँ बाप से अच्छी बनने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियाँ उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में बाप की, लेकिन बाप की छिड़कियाँ खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ बाप के बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम पर बिकने लगी। मतलब वो और भी अच्छा काम करने लगा और उसकी मूर्तियाँ जैसे पहले पिताजी की बिकती थी ना, उनसे भी अच्छे दामों पर बिकने लगी। बाप की मूर्ति बिकती 7 रुपये में, बेटे की बिकती 10 रुपये में। अब देखो, बाप की तो 7 रुपये में बिक जाती थी और बेटे की बिकती थी 10 रुपये में, 3 रुपये का फर्क था। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इस पर भी बाप की डांट डपट और छिड़कियाँ कम नहीं हुई, मतलब उसका बाप उसको लड़ता रहता था, उसके जो पिताजी थे वो उससे लड़ते रहते थे। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता। उसके पिताजी क्या करते थे, जो उसका बेटा मूर्ति बनाता था उसमें कमियां निकालता था, ठीक है। बेटे ने मूर्ति बनाने की और अधिक ध्यान दिया, ठीक है, वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई होने लगी, बाजार में उनका दाम भी बढ़ गया। बाप की बनाई मूर्तियां 7 रुपये में ही बिकती रही, जबकि बेटे की बनाई मूर्तियों की कीमत बढ़कर 12-15 और फिर 20 तक पहुंच गई। देखिए, 7 से कहां पर पहुंच गई, 20 तक पहुंच गई। अब देखिए क्या होता है। मगर बाप का संतोष नहीं हुआ, बाप क्या हुआ, संतोष नहीं हुआ, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, उससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह बेटे की बनाई मूर्ति में दोष निकालता, ये आँख दूसरी आँख से अधिक बड़ी बन गई है, कंधों की गोलाई बराबर नहीं है, ये कान बनाए हैं या अनाज साफ करने के छाछ, ये सब बातें वो उससे बोलता रहता था। नाखून बहुत छोटे हैं, छोटे दिखते तक नहीं, और ये नाभि बनाई है या गांव का कुआं, ये सारी बातें वो बाप उसके बेटे से बोलता था। एक दिन बेटी ने चिल्लाकर कहा, बापू तुम मेरी मूर्तियों में दोष क्यों निकालते हो, तुम्हारी खुद की मूर्तियाँ तो दोषों से भरी हुई होती हैं, मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ।
अब देख लो तुम्हारी बनाई मूर्ति अभी तक 7 रुपये में ही बिकती है और मेरी मूर्ति के लिए लोग 20 रुपये तक उसी से दे जाते हैं। मेरे ख्याल से मेरी मूर्ति में कोई दोष नहीं होता। वे इतनी सजी सबरी होती हैं कि अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बेटा बोल रहा है बाप से। अब देखिए बाप उदास हो गया। दुखी स्वर से वह बोला, बेटे मुझे यह बात मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपये से अधिक कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? बेटे के स्वर में आश्चर्य था। बेटे की ओर देखता हुआ बाप बोला, क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार को खुद ये लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रही है, तो मान लेना कि उसका विकास रुक गया है। मतलब वो सोचने लग जाए कि अब तो बस बहुत हो गया, अब इसमें और कोई सुधार नहीं हो सकता, तो उस बच्चे का या फिर उस बालक का या फिर उस आदमी का विकास क्या होता है, रुक जाता है। कलाकार का संतोष उसकी प्रगति की प्रगति को वहीं रोक देता है। जहाँ पर कलाकार संतुष्ट हो जाता है वहीं पर उसकी प्रगति उसका विकास रुक जाता है। एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था और आज तक मुझे मूर्तियों की कीमत कभी 7 रुपये से अधिक नहीं मिली। ठीक है, अब देखते हैं आप। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या देखा कि यदि अपन किसी काम से संतुष्ट हो जाते हैं कि बस इतना ही करना है, अब इसमें इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वहीं पर काम रुक जाता है और यदि उसमें कोई और प्रगति या फिर विकास होना होता है वो वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। ये होता है अपना पाठ समाप्त। देखिए बच्चों, इस पाठ में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी कि हमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए कि हम इस काम को कर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता। यदि ऐसा कर लिया तो आपका विकास वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, ये बात हमको ये पाठ बताता है। अब इस पाठ में यदि आपको कोई समस्या हो या फिर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक इसको पढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।